पाए। और खास इल्तिजा मेरी ये है कि जब तक मैं ये कलाम पढ़ूं आप लोग बीड़ी सिगरेट कोई ना पिए, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मकाम शहजादी कौनैन वो मकाम है कि अगर इस कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा किसी का हो तो वो है रब्बुल आलमीन अल्लाह का। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और सरकार दो आलम के बाद अगर किसी का मकाम है इस कायनात में तो वो है शहजादी कौनैन फातिमतु ज़हरा। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग बीड़ी सिगरेट कुछ ना पिए। फेंक दो चचा बीड़ी, फेंक दो तुम्हारी, हाँ मुझसे ले लेना, मैं चार पिलवा दूँ। इसलिए मकाम शहजादी का बड़ा है कि जब जब सरकार तो आलम दरबार में बैठे होते थे मिंबर रसूल मिंबर पर, और अचानक कभी शहजादी आ जाती थी तो आप खड़े हो जाते थे और खड़े होकर इस्तकबाल करते थे और कहते थे कि बेटी माँ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अब इसे अंदाजा लगाएं शहजादी कौनैन का मकाम क्या है। तवज्जो, जज्बाए गया, आज मोतियों वालों की महफिल में जब फातिमा का नाम आ गया, मलेकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं,
कोशिश तो बहुत करता हूँ, हिम्मत नहीं होती। आखिरत की फिक्र ना करें, कसम खुदा की
अगर आखिरत में तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ना। इसने कहा था हाजी पीर के उर्स में कहा था, बेफिकर बेफिकर कंबल ओढ़ते हो, गोदड़ी ओढ़ते हो, चादर ओढ़ते हो, ओढ़ के सो जाओ, आखिरत की फिक्र ना करना। क्यों? उसकी मुश्किलें भी टल गई, उल्फत के तकाजों को बदलने नहीं दूंगा। सरकार तो आलम फरमाते हैं कि बेटी की विलायत की कसम हश्र के दिन मैं जहरा के वफादारों को जलने नहीं दूंगा। हाँ जहाँ
लंगर चल रहा है मोतियों वालों का, महबूब शाह डाडा का, और ये ता कयामत तक चलता रहे। चलेगा कि नहीं भाई? मेरे कहने से नहीं, आप लोग बताए भाई, गुजराती में कहूं तमें लोगों ने चालसे के नहीं शाह माटे चालसे तवज्जो। ये मेरा महबूब शाह डाडा, चौथे इमाम सैयद जैनुल आबेदीन सैयद सज्जाद इमाम हुसैन आली मकाम के साहबजादे, जिसने इमाम हुसैन के गर्दन पर छुरी चलाई थी, वही उनके दरबार पे गया और कहा भूख लगी है खाना चाहिए। और सैयद सज्जाद ने कहा भाई ने खाना दो, खाना दिया। उसके बाद कहा ए मौला आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, तू वही तो है जिसने मेरे बाबा जान के गले पर छुरी चलाई थी। तो उस छुरी चलाने वाले ने कहा फिर भी आपने मुझे खाना खिलाया? तो उन्होंने ये कहा था कि वो तुम्हारे अखलाक थे ये हमारे अखलाक है, वो तुम्हारे तरीके थे ये हमारे तरीके हैं। ये मेरा महबूब शादा लेकर जाए तो अहले बैत की मोहब्बत लेकर जाए।
अगर ये मोहब्बत तुम्हारे पास नहीं, तुम अपनी एड़ियां रगड़ लो, अपने माथे रगड़ लो, सोहज कर लो, गिलाफ काबे को चूम कर उसमें दफन हो जाओ, तो भी तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम हसन के नहीं हुए, हुसैन के नहीं हुए, अली के नहीं हुए, फातिमा के नहीं हुए, तो ना तुम मोहम्मद के होगे ना खुदा के होगे। और खुदा तुम्हारी सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार देगा। क्यों? देख लो फिरौन को, देख लो नमरूद को, देख लो शैतानों को, मगर इनका नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। क्यों? ये मेरा महबूब शबादा, इसलिए मुझे लोग कम बुलाते हैं। मेरी कव्वाली घर जाने के बाद समझ में आती है। बाबा, कुछ लोगों ने मुहर्रम के दिन मोतियों वालों के खानदान को बुलाया नहीं और सेज उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं। बहुत कोशिश की, नहीं उठी। कुछ लोग हाजी अमीर मियां सरकार के पास आए, बोले डाटा सेज नहीं उठ रही। तो आपने अपना ताज उतार कर दिया, बोले जाकर ये सेज पर रख देना। और जब उनका ताज, उनकी टोपी उस सेज पर रखी है और नारा हैदरी का नारा लगा है, कसम परवरदिगार की एक सेकंड में सेज ऊपर हो गई। क्यों हो गई? ये मेरा महबूब शाडाडा, इसलिए हो गई क्योंकि वो भी जानते हैं जिनकी सेज है कि ये खून जो है ये फातिमा का है, ये अली का है, ये नबी का है, और यही कर्बला वालों का है। तुम्हारे बनाने से सैयद नहीं बनाई है, हमने तुमने गरीब नवाज के आने के बाद कलमे पढ़े हैं, हमारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है ये पहले से ईमान वाले हैं, ये पहले से कलमे वाले हैं। तो ये ना समझना कि ख्वाजा साहब के आने के बाद इन्होंने कलमा पढ़ा है ना, ये नबी की आल है, अली के लाल है। कलमे की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ने पहले से कलमे वाला बनाकर उतारा। बताने का रीजन ये है कि तुमने महंगी टोपी पहना दी तो भाई सैयद हो गए, सोने का साफा बांध दिया तो सैयद हो गए ना। दीने नबी के काफिले सालार रहेंगे, सालार रहेंगे।
मेरे घर में रोशनी हुई। सरकार मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहने लगे, कुछ तैयारी की है आखिरत की? उन्होंने कहा, सरकार हमने कुछ तैयारी नहीं की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जाओ, तुम जिससे मोहब्बत करते हो बड़ोदे महशर उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। सैयदों से मोहब्बत करो, इंशाल्लाह जब नाना जान, सैयदों के नाना जान तख्त पर बैठे होंगे और एक सैयदजादे ने अगर कह दिया नाना जान ये मेरा गुलाम है, तुम्हें बख्शीश की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये मेरा महबूब शहजादा, I'm gonna make you mine।
999 गांव जामनगर का जिला। ये मेरा महबूब शाडा जामनगर जिले का राजा, बच्चे बीवी मेरा घर बार सब कुर्बान। मैं मरीज पंजतन का हूँ। नबी ने माँ कहा जिसे, इसलिए जुदा है फातिमा क्योंकि सैयदों की माँ है फातिमा। आहा, इसलिए जुदा है फातिमा। आहा, सैयदों की माँ है फातिमा। इसलिए जुदा है फातिमा क्योंकि सैयदों की माँ है फातिमा। आजकल तो बाबा
मार्केट में, भाई जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। आजकल मार्केट में आले सैयद हैं, लेकिन साथ में चलने वाले पाले भी हो गए, काले भी हो गए, बाबा साले भी हो गए। तुम क्या कोई भी सैयद हो जाओ सबीर बाबू, लेकिन फातिमा का खून कहां से लाओगे? डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट बन जाएगा, सिक्का मिल जाएगा, बिल्ला मिल जाएगा, फातिमा का खून कहां से लाओगे? इसलिए जुदा है फातिमा, सैयदों की मां है फातिमा। अल्लाह ने सैयदों को इतना पाक रखा है कि ना इनके लिए सदका रखा है, ना इनके लिए जकात रखी है, ना फितरा रखा है, कुछ नहीं, इतना पाक रखा है। तवज्जो, बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं, उन्हीं को मिलता है अल्लाह। फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते। मैं एकदम से घबराया, सरकार, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला भाई क्या पढ़ा तूने? बोले फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना दे। अरे कौन सा अब्बास बना देते, ये तो बता। चौराहे पे जिसकी गैरेज है, कि दरबारगढ़ पर जिसकी होटल है, कि जो पान बेच रहा है वो अब्बास बना दे, कौन सा? अबे कहां कयामत तक अब्बास कोई बन ही नहीं सकता,
जिसे सजदा करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं, और जो शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। करो तो आखिरत में मुंह दिखाने के काबिल हो जाओगे। इसलिए इसलिए जुदा है फातिमा, किसको कहते हैं।